सर मेरा नाम जिमी रंधावा है। सर मैं सिरसा के रहने वाला हूँ। अभी हमारी आईटीआई के पास हम कोई काम आए थे, बड़े गुरुद्वारे में आए थे, तो हम वहाँ से अभी जाने लगे थे। हमारी गाड़ी खड़ी थी, हमने बस कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, एक मेरा भाई वहाँ रुका आया और हम सोचा कि इधर टर्न करते हैं, पीछे से कैंटर आ रहा है पूरी स्पीड पे और हमारी बाइक को गाड़ी को सारा कुछ छील दिया। मैं सोचा गाड़ी पीछे भी लगाता हूँ, लेकिन उसका टायर ही इतना बुरे तरीके से डैमेज था, सारी आगे से डैमेज कर गया, साइड का शीशा टूट गया और इतनी तेज़ से भगाया कि दैट जब मैं वापस भी गया कि दैट उसका नंबर भी देख लूँ तो उसने भगानी शुरू कर दी, रोका नहीं। फिर मेरे साथ दो लड़के आए जिनसे मैंने लिफ्ट मांगी कि उसके पीछे जाना है, दोस्त थे मेरे, पीछे गए, आगे लगाने की ट्राई की तो इसने आगे चढ़ाने की ट्राई कर दी। हर एक छोटे से छोटे गांव में इसके सामने जो आ रहा है, ये कम से कम गांव में भी 70-80 पे जा रहा है, ठीक है। साथ के साथ हमने पुलिस को कॉल कर दिया था 112 पे कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से हम वो इस टाइम यहाँ मुड़ गए, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि हम 112 जब कॉल करते हैं तो हम ये हेल्प कर रहे थे कि आप पुलिस यहाँ पर आ जाए, वो यहाँ पर भाग रहा है। तो उस चीज़ को करते करते आखिर में आई है सागवान चौंक पर। सागवान चौंक पर भी ये काफ़ी बहुत तेज़ भगा रहे थे, मेरे दोस्तों ने आगे आके जितने थे जिनको ये पीछे से भगा के लाया था, एक लड़के के ऊपर भी, मेरे दोस्त के छोटे भाई के भी ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और एक साइकिल वाले को नीचे दे के आए ये बल्ले कहाँ से, सारी जगह गांव में घूम घूम के। फिर एंड में आके पुलिस वाले आए हैं, उनसे ही एक बार उनको देख के भी भगा लिया इसने। फिर बाद में उन्होंने गाड़ी आगे लगाई तब जाके ये रुका। मेरे दो दोस्त के इतने बुरे तरीके से हाथ पे चोट लगी हुई है और इसने वो लोहे की रॉड निकाल ली और हमें मारने के लिए भागा। तो फिर मैंने इसको बोला कि तू आ जा, आगे पुलिस वाले खड़े हैं। इसने फिर गाड़ी चेंज की, फिर इसको जब रोकने की ट्राई की तो मेरे जो पीछे दोस्त खड़े हैं यहाँ पे, इसने एकदम गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाने की ट्राई कर दी, वो बहुत मुश्किल से बचा, उसको अपना बाइक घेरना पड़ा खींचने की वजह से। जो ये लेके जा रहा था कैंटर था इसके पास ट्रक, इसने ये नहीं देखा कौन सामने आ रहा है, भगा के बस अपना हिट एंड रन का केस कर देते हैं कि दैट हिट किया और भाग गया, रुका ही नहीं। हमने नंबर भी नोट किया और तभी साथ के साथ 112 पे कॉल करना शुरू कर दिया था कि दैट ये गाड़ी ऐसे मार के भागी है, अभी ये यहाँ पे है, प्लीज़ अभी आप यहाँ पे आ जाओ, चसरगढ़ पट्टी का आप हमारी कॉल डिटेल भी देख सकते हो, सारा कुछ देख सकते हो, पूरी डैमेज कर गया। वो उन्होंने बोला था कि दैट जब सागवान चौक पे आ गए थे कि दैट आप मत रोकिए, ठीक है, आप हम जाके बाइक पे खड़े। इसने फिर भगाई, पुलिस वालों ने भगाई तो ये पुलिस वालों के भी नहीं रोक रहा था, लाल बत्ती तक नहीं चौक पे रुका, भगाते भगाते ये रुका कहाँ पे, सुरखाव चौक पे, जब इसके बिल्कुल सामने आके गाड़ी लगा दी तब जाके रुका। तो इसीलिए हमें भी उसके पीछे जाना था। अगर कोई आप नॉर्मल सी बात है, अगर आप जा रहे हैं और पीछे से अगर कोई आपको हॉर्न मारे तो आप करेंगे? जसविंदर साढ़े शीशा टूटा था, पीछा मेरा बंदे पड़ के, और ये मामला था। आप पीछे पड़े हैं बंदे मोटरसाइकिल लेके? पाँच छः बंदे थे, दो मोटरसाइकिल थी। यही था, ये सब्जी मंडी वाले चौक के पास है। हाँ, दो बाइकों में आए थे। ट्रैफिक वाले ने छुटवाया हमें, बत्ती पे बत्ती आई, बत्ती पर रोक ली गाड़ी, पीछे पीछे पड़ गई मेरे, वहाँ भी पकड़ लिया हमें आगे। एक तो कल्ला बंदा, छः बंदे, रुकूंगा कैसे मैं? और फिर मैं तो फिर वो पीछे पड़ रहे थे, गड्ढे भगा ली, फिर मैं क्या कर रहा था।